नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। चलिए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी में आईपीएल मैच पर चल रहा था ऑनलाइन सट्टा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रधाननगर थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर दो आरोपियों को गुरुंगबस्ती इलाके से किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड की मांग की। सिलीगुड़ी के पंजाबी पड़ा इलाके के एक गैरेज में काम करने के दौरान सेना के वाहन में हुआ विस्फोट। गैरेज के 3 कर्मचारी और 1 सेना के जवान गंभीर रूप से घायल, सभी सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में इलाजरत। घटना के बाद सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का किया दौरा। मेयर ने कहा, गैरेज को सील कर पूरे मामले को नगर निगम देख रही है। सिलीगुड़ी में 3 नाबालिगों के अपहरण और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 2 महिलाओं को आज सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। पुलिस ने न्यायाधीश से जांच के उद्देश्य से लिया रिमांड पर। राजगंज में मानव दास ने पेश की इंसानियत की मिसाल। वर्षों से सड़क के बेबस कुत्तों को करा रहे भोजन। फुलबाड़ी के महानंदा बैरेज से लग्न इलाके में अनियंत्रित होकर कोयले से लदी एक लोरी पलटी, बाल बाल बचे लोग। सिलीगुड़ी के एनजीपी स्टेशन पर खुला पर्यटक सहायता केंद्र। INTTUC की एनजीपी शाखा की पहल पर आज से पर्यटक सहायता केंद्र का हुआ शुभारंभ। सिलीगुड़ी से कालियागंज एक बैग में मृत बच्चे को ले जाने की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के रोगी कल्याण समिति ने की पहल। अब से सिलीगुड़ी नगर निगम आर्थिक रूप से पिछड़े मरीजों के परिजनों को शव ले जाने में करेगा सहयोग। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय और SJDA मिलकर करेंगे काम। आज उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में विश्वविद्यालय प्रशासन और SJDA के अधिकारियों ने बैठक कर दी जानकारी। तेज आंधी और तूफान ने खोरीबाड़ी के बतासी अंतर्गत पश्चिम बदराजोत इलाके के कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। कुचबिहार MJN मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने मातृ विभाग में एक मॉडल बाथिंग बेड का किया उद्घाटन। बेड का उद्घाटन कुचबिहार MJN मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय ने किया। अदालत के आदेश के अनुसार नौकरी गंवाने वालों को कानूनी सहायता प्रदान करने का कुचबिहार जिला तृणमूल नेतृत्व ने दिया आश्वासन। कालचीनी ब्लॉक के संताली बस्ती में फिर एक बार घुसा बाइसन। बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट व जल्दापाड़ा वन विभाग के वनकर्मी बाइसन को जंगल की ओर भेजने में जुटे। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा नगर पालिका के अस्थायी कर्मचारी स्थायीकरण की मांग को लेकर एकजुट हुए। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।